हाँ जी बोलो आयुष, क्वेश्चन नंबर 9 है जो। और इसमें ना सर आंसर में सर e की पावर x माइनस सर e माइनस e की पावर माइनस x आंसर आ रहा है सर, ये कैसे होगा? नहीं आ रहा है आंसर तो सही है ना, मतलब क्या दिया हुआ है पीछे फिर। सर सर पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसमें सर e की पावर x माइनस ई की सर पावर उसके माइनस है। बाद सर मैं आपको लिख के भेजता हूँ एक मिनट। देखो मेरे पास ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है आयुष। अब मुझे ये बता ई रेस्ट पर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। सर ई रेस टू बार एक्स ही रहेगी। ई रेस्ट पर एक्स रहेगी, प्लस बीच में प्लस है ठीक है। ई रेस्ट पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। सर ई रेस टू बार माइनस एक्स ई ये रेस्ट पर रहने दीजिए। माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स है ना इधर, यस सर। इसकी नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। यस सर। याद है शादी रूल, यस सर। इसकी इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस एक्स की। सर माइनस वन। -1 तो नीचे आ जाएगा -1, तो इधर माइनस हो गया। ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, यस सर। समझ गया। यस सर। ठीक जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हो गया। चलो पार्ट क्यू में 3 हमने कर लिए थे क्लास में। सर मेरा फोर्थ का आंसर नहीं निकला। जी हाँ, फोर्थ कौन सा, फोर्थ क्यू का। सर पहले भी नहीं निकला था, जब आपने क्लास में करवाया था तब समझाया तब समझ में आ गया, फिर नहीं निकला। और किसी को डाउट है ये फोर्थ। जी हाँ मुझे व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेजना है इसका, ठीक ओके है। सर। हाँ मैं देखता हूँ वहां पे तुमने क्या गड़बड़ की है। ओके डन है। एक्सरसाइज 0 3 में तो डाउट नहीं है किसी का। चलो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में पार्ट पी में कोई डाउट 10 क्वेश्चंस में। नहीं है, ओके चलो गुड है। क्यू में 1 2 3 2 टू में इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, एक्सेलरेशन हमें दे रखी है, देवशी हमें एक्सेलरेशन दी हुई है और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, वैसे क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन में तो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन करनी है, बट हम इसमें देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 AT दे रखा है राइट। मैं ए को ना अल्फा लिख लेता हूं ताकि मिक्स ना हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 × α t लिख लेते हैं इसको, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन राइट। तो अब मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो dv इज इक्वल टू ADT करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ADT, और वेलोसिटी की यूनिट्स देवेशी फ्रॉम इनिशियल कितना है, बोलो बोलो क्या। सर जीरो 0 नहीं 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 है, यू 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 सर यू फाइनल वी टाइम इनिशियल 0 फाइनल टाइम टी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां डाल दो। दिस इज वी माइनस यू इज इक्वल टू 2 α t dt की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। क्या गड़बड़ की है तुमने,
सर वो इनिशियल मैंने पढ़ा नहीं था, जीरो डाल दिया था। अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? सर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, कौन सा? सर सिक्स्थ क्वेश्चन, सर उसमें सर मेरा राउंड फिगर करके आया सर 45 आंसर। राउंड करके आ रहा है 45। मुझे तो सर नहीं लगता एग्जैक्ट ऐसा, 45 नहीं एग्जैक्ट आया, आ रहा मुझे तो लगता है है सर। एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट ही आएगा यार। सर मेरा आया एग्जैक्ट 45। सेम है। ये वैसा ही क्वेश्चन है आयुष, जैसा एक्सरसाइज 0 में फोर्थ क्वेश्चन था। सर सेम वो ही है तो, सर वो तो हो गया था सर, ये नहीं हुआ। आयुष, इसका सॉल्यूशन भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे, ओके सर, आई चेक कि क्या गलती की है तुमने। ठीक यस सर। है। किसी और का डाउट तो नहीं है सिक्स्थ? ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 9 तक। गुड है, चलो एक्सरसाइज 1 इज डन। गुड, एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से करना है हमें। एक क्वेश्चन नंबर है 169, 170। 170 से। ओके हाँ जी, 173 तक डाउट बच्चों? ओके, 175 तक? 175, 175 में ना अपर लिमिट इज इंफिनिटी। वो अल्फा लग इंफिनिटी का ना कुछ पोर्शन शायद वो कटा हुआ है, मे बी, मुझे दिख नहीं रहा, इतना छोटा है शायद, पता नहीं। वो इंफिनिटी है बेटा, ऊपर सर ऊपर वाले। इन्फिनिटी है, हार्ड हाँ कॉपी में दिखती ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन जैसे बोल, सर वो अच्छा, ही पूछना था बस, सर अपर ओके। जागृति हो जाएगा, फिर कर उसकी वैल्यू बढ़ा चलो मैं कर देता हूं इसको। फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। किसी को डाउट है? डज एनीवन वांट मी टू सॉल्व दिस? लेंगे। यस सर। मंथन, ओके। अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है मंथन, मुझे बताता रहे, अनम्यूट रख अपने आप को। सर जी एम एन एम जी एम एम कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा 1/x² dx फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होगी मंथन? सर, पहले एक्स ऊपर चला जाएगा, x-2। चलो ऊपर ले लेते हैं, x-2 dx माइन आर टू इन्फिनिटी। हाँ जी आगे। फिर उसके बाद x-1/-1, ये आ जाएगा x-1 x-1/-1 फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। डीएक्स। ये -1 को बाहर ले लेंगे, ये आएगा -gmm, और x-1 को नीचे लिख लेंगे एक 1/x करके आर टू इन्फिनिटी, तो आएगा -gmm। पहले अपर लिमिट आएगी 1/∞, माई एक्स की जगह डालना है तो 1/∞, एंड माइनस लोअर लिमिट आएगा। व्हाट इज 1/∞? जीरो सर, वो ही जीरो। जीरो 1/∞ इज जीरो। जीरो। हमें ये पता है ना कि 1/0 को हम इन्फिनिटी लिखते हैं, यस सर। तो इंटरचेंज कर ले, 1/∞ इज जीरो। ओके सर। ठीक है, ये टर्म 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी एम एम बाय आर। ओके सर, थैंक यू।
ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 179 तक सर, 176 सर, इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हाँ जी बोलो सर, हमने लॉग बेस ई की जगह हम एल एन नहीं लिखेंगे, नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई की जगह लिख सकते हैं क्योंकि लॉग बेस ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो चाहे एल एन लिख लो चाहे लॉग टू द बेस ई लिख लो, सिर्फ लॉग लिखा होता तो गलत होता। ओके सर, हाँ जी नेक्स्ट 79 तक कोई और डाउट? प्रबल, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t। ओके अच्छा, इसमें पहले तो यहां पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो बाहर ही निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बचा, डीटी साथ में है। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है प्रबल? माइनस कॉस, माइनस कॉस होती है, माइनस कॉस, और एंगल में क्या आएगा? डब्ल्यू बी, डब्ल्यू, हाँ इसको ना ओमेगा बोलते हैं वैसे, ओमेगा, हाँ दिस इज ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में आएगा, और क्या आएगा, कुछ साथ में आएगा कुछ, टी स्क्वायर बाय टू, क्या टी स्क्वायर बाय टू? ना भाई ऐसे मत कर प्रबल, याद नहीं तेरे को, साइन के डिवाइडेड बाय ओमेगा आएगा, डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा, ठीक है प्रबल लिसन, साइन के एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस के डिवाइडेड बाय के, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं प्रबल, डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है यहाँ पे शादी रूल लग रहा है, नीचे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं करनी डिफरेंशिएशन करनी है नीचे, ओके फ्रॉम 0 to t, यही गड़बड़ की है तूने, फिर हो जाएगा, हो जाएगा प्रबल? यस सर, ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 तक कोई और डाउट? ओके 189 तक कोई डाउट? 188 किसने किसने कर लिया, रेज योर हैंड्स, गौरी मिलन एंड अर्शिया निष्ठा गुरकर्मन गौरी मेहता, ओके ठीक है गुड है वेरी गुड, क्वेश्चन है सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमें सोचना है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, एक्चुअली वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है गुड है नीचे कर लो। देखो एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, ये क्लास बच्चों कितने बजे तक है, 45 तक है ना, आई गेस सर 30 तक है, 45 तक है, ठीक है नेक्स्ट क्लास हम लोग की 11 बजे है ना, यस सर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमें क्या गिवन है, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, यस इट इज यू, ये हमें क्या गिवन है, दिस इज यू राइट, तो चीज को पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड दैट इज यू, ये यू है, इज डी एक्सेलरेटेड
एट द गिवन रेट, ये हमें डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हमें दे रखा है ऑलरेडी, उसने एक्सेलरेशन को डीवी बाई डीटी लिख दिया, ना भी लिखा होता तब भी हम उसको डीवी बाई डीटी लेके कर देते सॉल्व। जहां पे भी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑब्वियसली हमें पता ही, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट, हमें टाइम फाइंड करना है ताकि बॉडी रेस्ट पे आ जाए, तो मतलब रेस्ट उसका क्या लेंगे हम रेस्ट, तो बस यही गड़बड़ करते हैं। इसको एनालाइज अगर ढंग से किया हो तो क्वेश्चन बहुत है ना आसान है, इनिशियल 6.25 है और फाइनल जीरो है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें दे रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस 2.5 रूट वी, u की वैल्यू हमें दे रखी है 6.25, v की वैल्यू हमें दे रखी है 0, टाइम हमें फाइंड करना है, ये टाइम है ना, ये यहाँ पे टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम हमें फाइंड करना है, ये चीज हमें दे रखी है। तो क्या करेंगे अब देखो, मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशंस में आपको क्या करना है, आपको ये dv इधर है ना dv, तो v वाली टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, हाँ रीअरेंज कर लेंगे, इसको dv के नीचे लेके आओ, v को, v वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, इसको ध्यान देंगे मैं dv के साथ v को लेके आ रहा हूँ, एक जैसे वेरिएबल्स एक साइड में करो, ठीक है, ये फैमिली को इकट्ठा करो, dt को उधर करो, ये बाहर का है, तो इधर क्या करेंगे, dv अपॉन रूट वी इज इक्वल टू माइनस 2.5 dt। चमका मैंने क्यों किया, ताकि अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर पाऊं रूट वी की, 1/√v की विद रिस्पेक्ट टू वी, एक तरह के वेरिएबल्स हो गए ना एक साइड में, तो बस अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√v डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2.5 डीटी। अब खेल है लिमिट्स का, अब लिमिट्स टाइम की इनिशियल लिमिट क्या है, ये रही जीरो, फाइनल लिमिट क्या है पता नहीं, फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6.25, ध्यान देना बहुत ध्यान से करना है, 6.25 इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल है जीरो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, इसको चलो सिंपल कर लेते हैं, v रेस्ट पर हाफ नीचे है तो v रेस्ट पर 1/2 माइनस 1/2 ऊपर हो जाएगा, माइनस 1/2 dv फ्रॉम 6.25 टू 0 इज इक्वल टू माइनस 2.5 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, फालतू में पड़ा बाहर, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2√v, बिल्कुल वेरी गुड, 2√v, 2√v कैसे आया, चलो ये आएगा v raised to power 1/2 divided by 1/2 from 6.25 from 0 is equal to minus 2.5, इसकी इंटीग्रेशन होगी t from 0 to t, ये 2 पर जाएगा, root v from 6.25 to 0 is equal to minus 2.2, upper limit root 0 माइनस लोअर लिमिट रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल टू माइनस 2.5 इनटू टी, रूट ऑफ 0 इज ऑब्वियसली 0, 6.25 का रूट क्या होगा, 2.5 होता है। देखो अगर ना पॉइंट्स जनरली, मैं एक तरीका बताता हूँ तुम लोगों को, जनरली बच्चे पॉइंट्स वाले जो नंबर होता है ना उनका रूट गलत कर देते हैं, ठीक है, हमें सबको ये तो पता है कि 625 का रूट क्या है, 25, ये पता है, लेकिन 6.25 का रूट निकालते हुए गड़बड़ करेंगे, 2.05 या 0.25, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये गलती बचाने के लिए, ये गलती बचाने के लिए आपको क्या करना है, 6.25 को पहले लिख लो 625 डिवाइड बाय 100, जिनसे गलती होती है, ठीक है, तो इस, तो अब हमें पता है 625 का रूट हमें पता है 25 है और 100 का रूट है 10, तो ये आ जाएगा 2.5,
तो ऐसे तुम लोग अपनी गलती बचा सकते हो जिनसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा जो बहुत ही प्रो हैं वो डायरेक्टली कर लें, अदरवाइज टेस्ट में जैसी मेंटल स्टेट होती है तो मैं तो ये कहूंगा हमेशा इसको पहले पॉइंट्स को हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो अपना प्रो लोग भी वैसे हटा लेना चाहिए, ठीक है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी मार जाता है। तो पॉइंट को पहले हटाओ, फिर नंबर का हमें रूट पता होता है, फिर गलती के होने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं, फिर नहीं होगी गलती। तो माइनस 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो पड़ा ही है ना, तो 2.5 दोनों माइनस 2.5 इनटू टी, माइनस 2.5 माइनस 2.5 उड़ेगा तो टी आ गया मेरे पास। ठीक है, चमक गया बिल्कुल। तो ये गलती जो है नहीं करनी आपको। बाकी क्वेश्चन क्लियर है? अरे हाँ कि ना? यस सर। ओके, वन नाइन्टी तक वन नाइन्टी थ्री तक डन। चलो गुड। हो गए सारे? ओके बच्चों, चलो विद दिस वी फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। यस, चैप्टर खत्म है। कल बच्चों आप लोगों ने अपने अपने टेस्ट को एनालाइज करके उसमें जितनी गलतियां की हैं और जितने क्वेश्चंस नहीं आते थे वो अच्छे से ढंग से प्रॉपर तरीके से एक बार ट्राई करके डाउट क्लास में आना है, एंड वी विल डिस्कस द टेस्ट इन दैट डाउट क्लास। ओके, राइट, नो वन विल मिस द डाउट क्लास। जिसको टेस्ट में डाउट्स हैं या किसी भी चीज में डाउट है भूलना मत, ठीक है। डाउट टाइमिंग जो है वो 12 कितना है जो भी है, 12:30 बजे। एक तो टाइम चेंज हो गया यार, अब याद नहीं है मेरे को जो भी टाइम है ना, थर्ड स्लॉट में पौने एक बजे। ओके, तो बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर व्हिच इज यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर्स। ओके, छोटा सा चैप्टर है। हाँ, चैप्टर वो छोटा है, उसको 5-6 क्लासेस लगेंगी मेरे हिसाब से, बाकी तुम लोग पे डिपेंड है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वेक्टर्स, उसके बाद वेक्टर्स आएगा, तीसरा चैप्टर है वेक्टर्स। ओके ओके डॉक्टर्स, बाय बाय। सर आज मैंने ना क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की, तो पहले 15 मिनट में क्या करवाया था? पहले 15 मिनट में वही कर रहे थे हम, डेरिवेशंस ही स्टार्ट की थी हमने। तो जब मैंने ज्वाइन की तब आपने सिर्फ ग्राफ बनाया हुआ था? हाँ, बस उससे पहले और कुछ नहीं किया। I was asking about test, test में क्या है क्या नहीं है ना। ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू, ओके बाय, बाय बाय।